सो गाइस सीन कुछ यूं है, आज सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट को हम लोग पूरी फैमिली मिलके पार्टी करते हैं और ये आप लोगों को सरप्राइज होने वाला है कि हम पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं, क्या पकाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, क्योंकि हर सैटरडे को हम लोग ऐसी करते हैं, मींस खाना वगैरह पकाते हैं और हमारी पूरी फैमिली इंजॉय करती है मस्त होकर, क्योंकि भाई फ्रेंड्स वगैरह है नहीं मेरे कराची में इतने, तो फैमिली मेंबर्स जो ना पार्टी करते हैं। हे फैमिली, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। थोड़े दिनों बाद जो है ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे आने वाली है और वो जो है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो मैं जो है ना उसके लिए प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाली हूँ और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, हम लोगों को उसके लिए गिफ्ट रेडी करने पड़ेंगे, फिर उसको भिजवाने पड़ेंगे, फिर वहां से रिव्यू आएगा। तो भाई अभी जो है ना मैं उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह रेडी कर रही हूं, मैं करने वाली हूं उसके सामान की पैकिंग, फिर उसको हम सामान भिजवाने वाले हैं और उसका जो रिव्यू आएगा पता नहीं वो आपको दिखा पाऊं या वो वीडियो भेज पाए या नहीं। तो भाई अभी जो सीन्स है वो यही है कि मैं इसका पैकिंग करने वाली हूं, मम्मा का इंतजार करेंगे वो क्या क्या सामान लेकर आने वाली है, क्योंकि पार्टी भी जरूरी है, ये सामान पैकिंग भी जरूरी है। जब तक मम्मा पापा गए सामान वगैरह लेने, हम लोग पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग का सिस्टम मैंने ये रखा है कि भाई हमारी जो थीम है ना वो एक होने वाली है, मीन इसके लिए मैंने पर्पल कलर की थीम रखी है। पर्पल के अंदर हम रिबन्स लेकर आए हैं, पर्पल के अंदर हम लोग जो है ना गिफ्ट पेपर लेकर आए हैं, अबाया है ब्राउन कलर का, शूज है, ब्लू कलर का बैग है और ये प्यारा सा क्यूटू सा कीचेन है और एक मेकअप किट है, बिकॉज आपको पता है कि बिजनेस वुमेन है हम, तो बिजनेस वुमेन के पास जो है ना ऑल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज मेरा काम ही कॉस्मेटिक का है भाई, है तो हर चीज़ का काम बट कॉस्मेटिक्स का यू नो मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है। और ये जिसके लिए मेरी तरफ से ये क्यूटू सा एक किट एंड देन ये प्यारा सा रिंग और ये इसका मैं बुके बनाने वाली हूँ, इसके अंदर टॉफीज वगैरह हैं, इक्लियर्स वगैरह यू नो, तो वो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड किया, उसका हम प्यारा सा बुके बनाएंगे। तो भाई हम इसको रेडी शेडी कर लेते हैं, जल्दी से पैकिंग शैकिंग करते हैं, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मीन्स कि इसको पैकिंग शैकिंग के बाद क्या लुक आने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जल्दी से पैकिंग शैकिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई ये है जी चिकन टिक्का के लिए सामान, ठीक है। पहले हम लोगों ने चिकन ली, चिकन लेने के बाद उसके अंदर हमने ऐड किया योगर्ट, दही ऐड किया, ठीक है। उसके बाद ये मसाले आ गए सारे, मैं बताते मसाला रुको। ये नॉर्मल दुकान से लिया हुआ टिक्का मसाला है, मसाला दो स्पून, टू टेबल स्पून आ गया भाई ये टिक्का मसाला, क्योंकि आज बन रहा है, क्या बन रहा है आज? टिक्का पार्टी होने वाली है आज। तो भाई जैसा कि आपको पता ही है कि हम टिक्का पार्टी करने वाले हैं, तो टिक्का पार्टी से पहले हमें टिक्के बनाने भी तो पड़ेंगे ना। पिसा भुना कुटा जीरा, जीरा, तो भाई आ गए जीरा, ओ माय गॉड। चलो जी, डेढ़ चम्मच, वन एंड हाफ स्पून आ गया जी जीरा पिसा हुआ, ठीक है। पिसा भुना कुटा, बस ना उनको भी पता है कि भाई पिसा कुटा धनिया सब कुछ। और ये काली मिर्चें, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून। मसाले देखो माशाल्लाह। और ये फूड कलर, फूड कलर, कलर लाने के लिए, कलर लाने। चलो जी, समझा तो देखो उसका। अच्छा ये बता है जरा, जैसे ये पूरे शेफ हो माशाल्लाह। पिसी मिर्चें, अच्छा जी अब आ रही है, पहले मेरी बना लो, बाद में बना लेना अपने बात की। अच्छा पहले मेरी बना लो ताकि मैं इसको मैरिनेट करूं। और ये नमक, ऑब्वियसली नमक तो हस्बी जायका डालना ही होता है, तो ये आ गया 1/2 टेबल स्पून, अपने जायके के मुताबिक डाल लो, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में यू नो ब्लड प्रेशर वाले बहुत हैं। चलो जी हो गया जी, डन 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 डन। अभी जी ये जो फैलाया है ना ये रख दो, कहीं हमारे ऊपर ही टोपी आ जाएगी, तुम रख दो। लहसुन अदरक तो रह गया, तो शुक्र है ये रेसिपी आपने यूट्यूब से ना देखी, बहुत शुक्र है। चलो जी ये रेसिपी मम्मा की खुद की है जो कि हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, देन जो है ना हम इसको खा के टेस्ट करके बताने वाले हैं। पहले इसको जो है ना अच्छे से मिक्सी, इसका जो पार्ट होता है ना मिक्सिंग वाला, वो इससे ज़्यादा बदस्त होता है। कब करोगे फिर मिक्सिंग भाई? पहली बार काम करते हुए लहसुन अदरक, लहसुन अदरक मम्मा कल वाले व्लॉग में आपको बनाती हुई दिखी थी पेस्ट, ये वही वाला पेस्ट है, बस इतना बनाया था कि दो साल में हो जाए। वाह, रुको ना जुगाड़ भी तो लगानी है ना, पानी मिला के थोड़ा सा ना, जब ऐसा हो जाए घर वाली ये ना इसमें ऐसे कर, ओ
बस हो गया, हो गया अब इसको पेस्ट करेंगे, मिलाएंगे नहीं, अब इसको फ्रिज में रख देंगे ऐसी, हाँ ना मिक्स करके। ओ चलो जी, अब मम्मा रखने वाली हैं इसको मिक्स करके फ्रिज में। ग्लव्स ले आओ मेरे, ऐसे ही कर लो। पता है हमें सबसे मेन पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है, मिक्सिंग शिक्सिंग यूं यूं करके जो करते हैं ना, हाय 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 मजेदार। देखो गाइस, बस अब इसको सबको लगा के अच्छी तरीके से और इसको फ्रिज में मिक्स कर देना। आय हाय हाय, ये पार्ट होता है सबसे जबरदस्त। 10-15 मिनट। अब ये 3 टिक्के हैं और माशाल्लाह से 7 लोग हैं। बस अब नोच के लड़ाएंगे, लड़ाई हो जाएगी टाइट वाली। क्या करें, मुर्गी भी तो इतनी महंगी है, क्या करें भाई। बाजार से ये एक टिक्का जो है ना, एक टिक्का 200 रुपए का मिलता है और 600 रुपए के मिलते हैं 3 टिक्के, और घर में ये 300 रुपए में तैयार हो रहे हैं। घर में सही है ना भाई, बच्चा बस आप इसको फ्रिज में रखवा जी। हम लोगों ने जो है ना मसाला वगैरह लगा के जो है ना फ्रिज में रख दिया था, तो इट्स टाइम टू कुक अपने टिक्का, क्योंकि आगे मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। तो भाई जो है ना इट्स टाइम टू कुक टिक्का, और अब हम पकाने वाले हैं भाई ये वाले जो हैं, ये मसाले वाले हैं, ठीक है। यहाँ मम्मा ने फ्राई करने के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, इसे पकड़ता हूँ। ओह चलिए फाइनल लुक देखेंगे। आओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये हो रहे हैं हमारे टिक्के फ्राई, ठीक है जी। तो जैसे इसका फाइनल लुक हमारे सामने आता है, हम आपको दिखाते हैं, इसके रिव्यूज देते हैं, इसको खा के टेस्ट करके बताने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि इसका टेस्ट आने वाला है। पहले मैंने खाए थे, इतने कुछ ज़बरदस्त बने थे ना, बट ये न्यू स्टाइल में मम्मा बना रही है, क्योंकि इसकी रेसिपी आप लोगों को मैंने बताई है, तो ये न्यू स्टाइल में मम्मा बना रही है टिक्के। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, टेस्ट करवाना चाहती हूँ, और आप लोग भी अपने घर में बनाएं, खाएं, पिएं, ऐश करें। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद, 10-15 में मिलेंगे, ठीक है जी। अब मम्मा ने मुझे किचन में बुलाया और कह रही है कि भाई टिक्का तैयार हो गया, आके वीडियो बना लो, तो चलते हैं जी। हाँ जी मम्मा, आपने बुलाया, मम्मी खाना तैयार है कि नहीं? हाँ बस तैयार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ देखें आप लोग, हमारे टिक्का रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, धुआं चेक करो गाइस, कैसा बनाया, स्पाइसी बनाया, नॉर्मल मिर्चों के साथ बनाया? तो तुम लोग खा के बताना, मैंने तो चकाटक नहीं है। ओह अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं, अब इसमें लगेगा कोयला। ओ मतलब कोयला टिक्का बन रहे हैं। मम्मी जल्दी से जल्दी से खाना ले आओ, अब वेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना, हाँ इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, ओ माय गॉड वाओ। सो भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं, और पेट में जो है ना मेरे इतने ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। तो अब यहाँ से ना मक कर रही है कोयले गरम, ठीक है, फिर इसके अंदर कोयलों का दम लगेगा और हमारे तैयार होंगे कोयले वाले टिक्के। चलो भाई चलो, पराठे आ गए, खाना खा लो सारे, जल्दी जल्दी आ जाओ, टिक्के विक्के सब आ गए, फटाफट आ जाओ। वो देखो आप ही क्या कर रही है। तो भाई अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, स्टिल वर्किंग। जल्दी से जल्दी पैक करने की सोची थी बट हो नहीं पाया, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है ना पैकिंग में। तो भाई वहाँ खाना लग गया है, क्योंकि खाने को इंतजार नहीं करवाते, पहले हम करेंगे पेट पूजा, बाद में अगर काम दूजा। ये लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी, पहले पेट पूजा करेंगे फिर काम दूजा करेंगे, पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जल्द जाओ पापा को दिखाओ। ओके। तो भाई ये आ गई है मेरी प्लेट रेडी होकर, देख सकते हो भाई, अब हम करने वाले हैं इसको टेस्ट फेस। थैंक यू भाई, जल्दी जल्दी, हाय हाय हाय, कसम से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। देखो गाइस बोटियां चेक करो आप, क्या बनाया मम्मा, वाह मजा आ गया भाई, मुझे ना भाई बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ये रेसिपी जो है ना अपने घरों में ट्राई करो, बहुत टेस्टी है, बहुत मजे का बना हुआ है। मेरे मुँह पानी आ रहा है, बयान नहीं कर सकती मैं आपको अपनी फीलिंग्स। आप मम्मा को दिखाओ जरा, मम्मा बाबा का रिएक्शन भी तो देखना है ना गाइस, कैसा भाई मम्मा के लिए एक लाइक बनता है ना, हाँ भाई कैसा गजब बेइज्जती। हाँ मम्मा कैसा है, लग रहा है ना बाहर से भी अच्छा, बिल्कुल देखने में भी खाने में भी। और देखो भाई इसका आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो, हाँ ये देखो रेशा रेशा करके दिख रही है, वाह मजे।
हाँ कोयले की खुशबू, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बना, बहुत ज्यादा। आप लोग भी घर में ट्राई करो, कसम से आप लोगों के घर वाले खुश हो जाएंगे। और हमारी ये जो है ना वीकेंड की पार्टी होती है, मतलब हर सैटरडे नाइट को जो है ना हमारा यही मजा होता है, हम खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं, क्योंकि भाई फैमिली फैमिली होती है भाई। दूसरों को इनवाइट करने से, दूसरों के जाने से अच्छा है कि भाई आप अपना सैटरडे नाइट को फुल इंजॉय करो और इसी तरह खाते पीते रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। मेरी यही दुआ है कि आप लोग खुश रहें हमेशा, ऐसी मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, क्योंकि अपना भी फायदा देखना है ना। तो भाई आप लोग अपनी फैमिली के साथ जहाँ कहीं भी है खुश रहें, और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पहले हम लोग खाना कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है जी भाई। बिस्मिल्लाह करा हमने, हमारी जान का देखो क्या हासिल कर दिया हमने, कसम से इतनी टेस्टी थी ना। अच्छा जी, हमारी पार्टी में कोल्ड ड्रिंक भी आई है हमारे लिए। क्योंकि भाई खाना छाना जो हो जाए हजम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, हजम करने के लिए हमने मंगाई थी स्पेशल ड्यू कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि आप और कोई कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है सेवन अप ड्यू के अलावा। तो भाई यहाँ जो है ना अब्बा लेकर आए थे ड्यू कोल्ड ड्रिंक, मंदसा को इतनी देश प्यास लग रही है, अल्लाह अल्लाह पानी दो पानी, अल्लाह अल्लाह कोल्ड ड्रिंक नहीं पानी दो। तो भाई यहाँ जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेट पूजा हो चुकी है डन, ठीक है जी। कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक भी हमने पी ली है, खत्म कर दी है, और जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो अपने घर में ही बना ले, वो अपने घर में बना ले या तो बाहर से लेके आ जाए। हाँ भाई खा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मा ने इतनी अच्छी रेसिपी बताई है, और अगर आप लोगों ने घर में ट्राई ना की तो भाई क्या किया, आप लोगों ने घर में ट्राई ना की तो क्या किया। तो भाई अभी इन सबका घर वालों का नाश खाना मतलब चल रहा है, हमारा ख़त्म हो चुका है, अल्लाह शुक्र पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जल्दी जल्दी खाते ना, हमारी खुराक इतनी सी है, फिर भी एक तिक्का उड़ा गए माशाल्लाह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डकार भी आ गई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बकरे मतलब मैंने गधा खाया मतलब बकरा खाया। तो भाई इसके साथ ही करते हैं इस व्लॉग को एंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसी मजे मजे के खाने शाने के व्लॉग्स लेकर आने वाले हैं, कुकिंग व्लॉग्स, रेसिपी व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग डेली व्लॉग्स, जो जो हमारी डेली रूटीन में हो रहा है आप सबको दिखाने वाले। तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करना, ओके मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना, गलती से निकल गया। तो भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चले मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।